खबर जनपद सिद्धार्थनगर से है, जहां सैकड़ों की संख्या में बांसी बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने कासगंज में महिला अधिवक्ता मोती तोमर की हत्या को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि कासगंज में महिला अधिवक्ता की हत्या व पूर्व में प्रदेश भर में अधिवक्ताओं के ऊपर हुए हमले को लेकर बांसी तहसील के अधिवक्ताओं ने तहसील में पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। साथ ही मोनी तोमर की हत्या में शामिल अभियुक्तों को फांसी देने की बात कही। वहीं मीडिया से बात करते हुए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि हम लोग अधिवक्ता मोनी तोमर की हत्या में शामिल हत्यारों को फांसी की मांग कर रहे हैं। पूर्व में हमारे साथियों के ऊपर हमले हुए हैं, उस पर भी प्रशासन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। हम लोग की शासन प्रशासन से पुरानी मांग है अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और हम लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए। उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के प्रति कई जिलों और तहसीलों में जघन्य अपराध हुए हैं। अभी गाजीपुर जखलिया में एक अधिवक्ता की समस्या थी, उसने एक शिकायत किया, लेकिन किसी भी पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। उनके दरवाजे पर गुंडे पहुंच गए मारने के लिए। उनकी पत्नी घर भाग रही थी, बिजली का तार में फंस गई और करंट लग गया, मर गई। दूसरी घटना अभी कासगंज की, आप लोग सभी जानते होंगे, हालांकि आप लोग तो इसको मीडिया में नहीं दे रहे हैं, मैं जान रहा हूँ, कासगंज की घटना है। कासगंज की घटना में मात उनकी ये थी मोनी तोमर जी। मोनी तोमर जी ने टोल उनका बैंक का विरोध किया था, उस बैंक के विरोध की वजह से उन्होंने उनको धमकी दिया, उसकी शिकायत की गई, लेकिन शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अंत में स्थिति हो गई कि उनको कोर्ट जाते समय गेट के अंदर पहुंचते ही उनका अपहरण कर लिया गया। अपहरण करने के बाद उनका बलात्कार किया गया, बलात्कार करने के बाद उनको मार दिया गया। आज स्थिति है, इसके बावजूद भी कल तीसरी घटना, अभी कल बस्ती कवि नगर जाते समय एक अधिवक्ता को अपहरण कर लिया गया, उनको। लेकिन पूरा शासन और प्रशासन इस मामले में बिल्कुल मौन बना हुआ है। अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कोई वो नहीं है। हम लोगों की बहुत पुरानी मांग है अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम, सुरक्षा अधिनियम लागू करने के लिए हमारी कमेटी की टीम, कमेटी का वो रिपोर्ट शासन को गया है, विधि आयोग मिला हुआ है। हम उत्तर प्रदेश शासन से कहते हैं कि विधि आयोग से सिफारिश करके उस संस्कृति को जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने दिया है उसको स्वीकृत करा करके हम लोगों के लिए एक्ट लागू किया जाए और उसके हमको सुरक्षा दी जाए। सिद्धार्थनगर से आर के विश्वकर्मा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।